मित्रों नमस्कार, मैं हूं कालू माली। आप जुड़े हो मेरे चैनल से। साथियों, ये मामला है पुलिस थाना गिड़ा का। आज से 4 माह पहले पंचों के दबाव में आने से एक व्यक्ति ने आत्महत्या की थी। उसके बाद परिजनों ने करीब 7 दिन रखा था। उसके बाद पुलिस की समझाइश के बाद परिजनों ने शव का अंतिम संस्कार कर दिया। मगर आज पुलिस अधीक्षक से परिवादी वापस मिली है। क्या मामला है पूरा, आप परिवादियों से सुनिए। धन्यवाद सर। क्या नाम है और किस मांगों को लेकर आज एसपी साहब को ज्ञापन दिया? सर, मेरा नाम अंबाराम तंवर है। मैं खोकसर गांव गिड़ा तहसील से आया हूँ। ये जनवरी 18 का मुकदमा एक दत्ता सुसाइड केस था। पंचों के द्वारा प्रताड़ित करके जो है मेरे भाई साहब थे, उन्होंने सुसाइड किया था। पंचों ने 10 साल से प्रताड़ित कर रहे थे और उन्होंने जो है विवश होकर उन्होंने सुसाइड किया था। तो उस मामले को लेकर जो है गिड़ा मोर्चरी पे जो है 7 दिन तक हम लोग बॉडी को लेकर बैठे थे, धरना भी दिया था। तो उस प्रशासन ने जो है हम लोगों को बोला कि भाई आप बॉडी को जो है दाह संस्कार कर दें और हम आपको विश्वास दिलाते हैं निष्पक्षता से हम लोग जांच करेंगे और 7 दिन के अंदर जो हमारी हम जांच करके जो मुजरिम है दोषी है उनको हम गिरफ्तार करेंगे। तो हमने प्रशासन का साथ दिया और प्रशासन के कहने पर हम लोगों ने जो है बॉडी को उठाया, दाह संस्कार कर दिया था। लेकिन ये मामला है 18 जनवरी 2022 का है और आज 17 है, मतलब 4 महीने हो गए। तो 7 दिन की बजाय जो है 4 महीने हो गए, लेकिन अभी तक जो है ना तो FSL रिपोर्ट आई है, ना हैंड राइटिंग मैचिंग रिपोर्ट आई, ना मेडिकल रिपोर्ट आई, ना अन्य जो रिपोर्ट मांगी गई थी वो रिपोर्ट अभी तक आई नहीं है। 7 दिन की जगह 4 महीने हो गए, तक रिपोर्ट नहीं है। तो इसी के सिलसिले में हम लोग SP साहब से और कलेक्टर साहब से मिलने के लिए आए थे, ज्ञापन दिया हमने कि भी जो है ये हो गया। और इसके अलावा दोषियों को गिरफ्तार करना तो बहुत दूर की बात है, उन्होंने उल्टा मेरे और मेरे परिवार के अन्य 4 लोगों के ऊपर जो है झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया है। तो आज SP साहब से मिले, क्या कहा? SP साहब ने हमें विश्वास दिलाया है कि आपकी जो रिपोर्ट्स जो भी है, मेडिकल रिपोर्ट्स वगैरह सारी जो रिपोर्ट है वो हम अभी लेटर लिखेंगे और आपको जल्द से जल्द मंगवा देंगे। और आपके ऊपर जो मुकदमा दर्ज हुआ है उसकी मेरे को अभी जानकारी है नहीं, तो अभी मैं मंगवा के उस जानकारी लूँगा, उसके बाद में जो भी उचित कार्रवाई करूँगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अंबाराम तंवर है। ठीक है सर। भैरूलाल जी, क्या मामला आज ज्ञापन दिया आपने? इसी मामले में हमने ज्ञापन दिया है कि खोकसर के अंदर जो आत्महत्या हुई वो तो वहाँ के पंचों ने, पंच का नाम है गणेशाराम बोखा, वो उन्होंने 10 साल से वो इस परिवार को तंग कर रहे हैं और इस कारण से उन्होंने सुसाइड नोट लिखकर वो मरे हैं। उनमें लिखा है कि गणेशाराम बोखा जो पंच है खा पंचायत का, यानी संविधान के पैरेलल ये पंच अपना संविधान चला रहे हैं। तो 10 साल से वो पीड़ित है और पीड़ित होने के कारण वो सुसाइड नोट लिखकर उन्होंने आत्महत्या की। लेकिन अभी तक तो 4 महीने हो गए, हम 7 दिन वहाँ धरने पर भी बैठे थे, लेकिन आज दिन तक अभी पुलिस प्रशासन ने कोई उस पर कार्रवाई नहीं हुई। तो आज किससे मिले आज? आज हमने पहले तो कलेक्टर साहब से मिले इस संबंध में, उसके बाद में SP साहब से मिले और उन्होंने हमको आश्वासन दिया है कि हम जल्दी से जल्दी इस पर कार्रवाई कराएंगे। ठीक है, धन्यवाद।